अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज प्रजापत ने बताया कि शिवपुरी जिले के सिरसोद इलाके के भावखेड़ी गांव में विगत 25 सितंबर को सुबह 6:30 बजे वाल्मीकि समाज के दो मासूम बच्चे अविनाश पिता मनोज वाल्मीकि उम्र 10 वर्ष एवं रोशनी पिता मनोज वाल्मीकि उम्र 13 वर्ष की कथित दबंगों ने पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। श्री परमार ने बताया कि बच्चों का गुनाह सिर्फ इतना था कि उनके घर में शौचालय नहीं होने से वे खुले में शौच कर रहे थे। दलित समाज के दोनों मासूम बच्चों की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में इंदौर संभागायुक्त को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की थी। श्री परमार ने कहा कि यदि 3 दिनों में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो दलित समाज उग्र आंदोलन करेगा। इसी कड़ी में इंदौर के रिगल तिराहे पर बीती रात मोमबत्ती लगाकर बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि बीते दिनों शिवपुरी के भावखेड़ी में दलित समाज के दो बच्चों की जातिवाद के चलते हत्या हुई, जिसके बाद आज तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवार को किसी तरह की आर्थिक मदद प्रदान नहीं की। वहीं परमार ने यह भी कहा कि समाज के लोग लगातार आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरोपियों पर उचित कार्रवाई भी नहीं हो रही है। यदि वाल्मीकि समाज पर ऐसे ही अत्याचार होता रहा तो समाज के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कलंक का दिन है। हमारे वर्ग की अनुसूचित जाति वर्ग की वाल्मीकि समाज के दो मासूम बच्चे जो पिछले दिनों जातिवाद का शिकार हुए हैं, खुले में शौच करते वक्त गांव के दबंगों ने शिवपुरी जिले के भावखेड़ी गांव में यह घटना हुई थी, जिसको लेकर समस्त दलित समाज रोड पर उतरा है, सड़कों पर उतरा है। बाकी वर्तमान तक सरकार के द्वारा, ना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ना राज्य सरकार के द्वारा, ना ही केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक राशि भी ना उनको मुहैया करी गई, और जो फांसी की मांग हमने पिछले 3 दिन पूर्व करी थी उसको लेकर आज तक किसी भी नेता ने, मुख्यमंत्री हो या पीएम मोदी जी हो, किसी ने भी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस बात को लेकर, इस बात से आक्रोशित होकर आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में और वाल्मीकि समाज के समस्त जाति के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के संपूर्ण लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज रिगल चौराहे इंदौर पर, और हम मृतक मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं।